वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एमबीए प्रोग्राम को ख़त्म किया है। पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए ऑफ़र होता था और तीन तरह के एमबीए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफ़र हुए हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि तीन तरह के एमबीए भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी एमबीए प्रोग्राम ऑफ़र नहीं हो रहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ईयर्स वाला जो एमबीए था, जो 2 ईयर्स के ग्रेजुएशन के बाद होता था, जो कॉमन एमबीए था, वो ऑफ़र होता था। जिन स्टूडेंट्स ने 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन किया होता था वो 2 ईयर्स के अंदर अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते थे, और यही एमबीए कॉमन था पाकिस्तान के अंदर भी। पूरे पाकिस्तान में रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ भी यही एमबीए ऑफ़र करती थी पहले। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये वाला जो एमबीए था इसको क्लोज कर दिया जब एचईसी ने एमबीए की ड्यूरेशन बढ़ाई थी उस दौरान, और इसको एमफिल के इक्विवेलेंट भी किया था एचईसी ने। तो उस दौरान वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये वाला एमबीए ऑफ़र करना बंद कर दिया, और उस दौरान वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए एग्जीक्यूटिव ऑफ़र हो रहा था, और 18 इयर्स एजुकेशन वाला जो एमबीए जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, जो 4 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है, वो वाला एमबीए ऑफ़र हो रहा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन हुआ ये कि एक तरफ तो एचईसी के मुताबिक ये 18 इयर्स एजुकेशन वाला एमबीए एमफिल के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसके अंदर थीसिस जो है वो नहीं होती थी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफ़र होता था। तो थीसिस ना होने की वजह से, ये एमफिल के तो इक्विवेलेंट था लेकिन थीसिस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को पीएचडी के अंदर एडमिशन होने में प्रॉब्लम होती थी। अब एक तरफ एचईसी ने जितनी भी 18 ईयर्स एजुकेशन की डिग्रीज है एमबीए और एमएस वगैरह को एमफिल के इक्विवेलेंट सी दे दी है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने थीसिस नहीं की होती तो उनको आगे पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता। बहुत प्रॉब्लम आती है पीएचडी के अंदर एडमिशन मिलने में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। और इसी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एमबीए टॉप अप प्रोग्राम लॉन्च किया और ये जो 18 इयर्स एजुकेशन वाला एमबीए था इसको बंद कर दिया। टॉप अप प्रोग्राम्स उन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया था जिन्होंने ये 18 इयर्स वाला एमबीए किया था विदाउट थीसिस, और इस प्रोग्राम के ज़रिए इनको थीसिस कराई गई ताकि वो आगे पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकें। और फिर आखिर में ये भी हुआ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ एमबीए एग्जीक्यूटिव ऑफ़र कर रही थी। अब ये एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर किसी ने 2 ईयर्स ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उसके पास तकरीबन एक्सपीरियंस अगर है 6 साल का तो वो इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकता था। अब इससे होता ये था कि जहाँ पे जो एमबीए की ड्यूरेशन एक तरफ अगर किसी ने बढ़ाई भी थी तो एक्सपीरियंस से वो कवर हो जाती थी डेफिशिएंसी, लेकिन हुआ ये कि एचईसी ने पॉलिसीज चेंज करी और इस एमबीए को भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना पड़ गया है एचईसी की पॉलिसीज की वजह से। और करंटली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एमबीए ऑफर नहीं हो रहा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इस बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।